भाई बहुत टाइम हो गया, भाई बहुत टाइम हो गया। ये चैनल पे कुछ डालना है कि नहीं डालना है मेरे को यार। मैं एक्चुअली व्लॉग्स विग्स डालना चालू करना चाहता था, क्योंकि यार मेरे को मैं अपने स्टोरीज बताने, स्टोरीज तुम लोग को दिखाना है विजुअल फॉर्मेट में, इफ दैट मेक्स सेंस। बट फिर मैंने सोचा यार छोड़ो यार, मैं स्टोरी टाइम वीडियोस तो बना ही सकता हूँ आई गेस, घर पे बैठे बैठे जितना भी मेरे से हो सकता है वैसा मैं वीडियो बना सकता हूँ। एंटरटेनिंग आई गेस, आई एम एंटरटेनिंग, बताओ यार कमेंट से बताओ। बट जैसे तुम लोग ने टाइटल देखा, दो बंदियों से प्यार हो गया था तुम लोग के भाई, दो बंदियों से प्यार हो गया था भाई। स्टोरी बता रहा हूँ एकदम एकदम सेक्सी भाई, आराम से सुनना ठीक है। वेनसडे का दिन था, कॉलेज टाइम था ठीक है, हवा चल रही थी, चिड़िया उड़ रही थी, सब वो वैसा था। मुंबई में पानी भरा हुआ था, कीचड़ वीचड़ उधर इधर हो रहा था, और मेरे को पता नहीं था कि अब मैं दो लड़कियों के साथ प्यार में पड़ जाऊंगा यार। और मैं जे कोल भी नहीं हूँ कि यार दो लड़कियों को देख के ऐसा कुछ बोल दूँ। My two bitches lay in my bed, I'm used to it, that's your best friend giving me head, now you do it. Yeah, I know, that's kind of mad. Exam था तभी, exam लिखने गया मैं, देखा कि यार मेरा सेकंड बेंच पे टीचर पकड़ लेगी, अब मैं कॉपी कैसे करूंगा। मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा था रॉबिन, जो बहुत पढ़ाकू बंदा था, तो मैंने प्लान बनाया था कि उसका पूरा छाप लूंगा मैं, MCQs या जो भी रहेगा वो। और मैं ग्राफ टेढ़े मेढ़े बना रहा था और मेरे को पता भी नहीं था। फिर मैं लेफ्ट मुड़ा सडनली, तो वहां पे दो बेंच छोड़ के वहां पे एक लड़की बैठी थी यार, एकदम खूबसूरत सी, एकदम क्यूट सी थी यार, एकदम क्यूट सी, क्या बोलूं मैं, उसके बाल एकदम करली करली, उसने पहना एकदम फैशी फैशी, आई मीन फैशन टाइप का कुछ तो चूड़ीदार टाइप पहना था, एक क्यूट लग रही थी यार, ज्यादा मेकअप भी नहीं, एकदम एस्थेटिक वाइब दे रही थी वो मेरे को। एंड मैं उसको देखता ही रह गया, पेपर का टाइम खत्म, मैं उसको देखता ही रह गया। और लकीली मैं वो पेपर पास हुआ, बट फिर मेरे को मोटिवेशन आया कॉलेज जाने का, पेपर देने का, क्योंकि हर रोज उसको देखना था यार। और अलग 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 कलर के कपड़े वो पहन के आ रही थी, और अपन क्या मुंबई में रहते, अपने पास सेम टी शर्ट रहते, सेम टी शर्ट धो के उल्टा करके उजाला मार के सब लेके आते हम लोग। तो मैं गया भाई वापस, कहाँ से आती है क्या करती है ढूंढा मैंने, तो फिर पता चला कि यार वो साउथ बॉम्बे साइड से आती है। साउथ बॉम्बे मतलब एकदम अमीरों का जगह होता है पता है, मतलब आपको मत सिखा चल। और हम लोग का स्कूल है एकदम कबाड़ी एरिया, स्कूल कॉलेज एकदम कबाड़ी एरिया तो नहीं बोलूंगा, कॉलेज तो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर वो सब है। बट एनीवे, सो यार मैं हर दिन आके उसको देखता था। एक दिन उसने भी आई कांटेक्ट कर दिया, फिर मेरी फट गई ठीक है। मैं वापस आगे देखा, मैंने बोला रॉबिन MCQ, और रॉबिन है ये ऐसा बंदा है ना, 4:30 को पेपर खत्म होएगा तो 4:10 तक ये थियरी लिखते बैठेगा, उसके बाद 20 मिनट में ये MCQ सॉल्व करेगा, तो तब तक मेरे को रुकना पड़ता है कि ब्रो कम ऑन, मैं फेल हो जाएगा नहीं तो, 15 मार्क का MCQ है, तू बता रहा है कि नहीं बता रहा। उतने टाइम में फिर उसको देखते बैठता था, उसके बाद फिर 4:10 के बाद वो MCQ पता था, हम लोग जाते थे, यही सेम चीज हो रहा था ठीक है। एग्जाम्स के बाद छुट्टियां पड़ती है, ओके छुट्टियों में मैं जा रहा था केरला, यस द ब्यूटीफुल साउथ इंडिया ब्रो, वहां पे पूरा मॉइस्ट मॉइस्ट है, लेकिन हमारा मॉइस्ट का मतलब दूर दूर से कोई नाता नहीं रह चुका है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये होप्स, हाई होप लेके बैठा था मैं कि यार इसको तो पटा लूंगा मैं कैसे, तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे उसको DM कर, इंस्टाग्राम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको DM कर लेता हूँ, उसका ID सब निकाला रॉबिन ने, उसने रोल नंबर नोटिस किया जब वो प्रेजेंट ही दे रही थी एग्जाम के टाइम, एंड उसने नाम ढूंढा हम लोग के कॉलेज के वेबसाइट में, एंड फिर उसने मेरे को उसका इंस्टा ID भेज दिया। तो मैं चैट करने लगा, और ऑब्वियसली थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, दिस इज नॉट अ प्रो टिप, दिस इज एन एमेच्योर टिप, थोड़ा सा झूठ झूठ बोलना पड़ता है इधर उधर यार, और मैंने भी झूठ बोल दिया। मैंने उसको बोला कि मेरे को तेरे हर एक कपड़े का, हर एक दिन का कलर वेलर पता है, मैं फेंकते गया, और फिर वो मानते गई। मैं बोला मेरे को प्यार हो गया तेरे से, हाँ मैंने डायरेक्ट बोल दिया। फिर उसने बोला कि यार हाँ यार तूने तो सारे कलर सही बोले, मैंने बोला है ये तुक्का, मैं MCQ में लगाता तो कब का मैं पास भी हो जाता यार, ये क्या फालतू गिरी है। देन उसके बाद यार वो बोली कि यार सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं बोला बिच 19 साल के हम लोग और तेरे को शादी करनी, बोलती है नहीं शादी नहीं हो सकता क्योंकि यार घर वाले मान, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द यू नो रिलीजन या जो भी है, वो टॉपिक पे नहीं घुसने का ठीक है, मेरे को कैंसिल नहीं होने का। तो ऐसा उसने जब बोला तो मेरे को और थोड़ा बोलते ना क्यूट बनने का था, मैं पूरा उसको टेक्स्ट करते बैठा हूँ मैं एकदम सैड वॉइस में, सैड टोन में ऐसा रिकॉर्डिंग दबाया मैंने और बोला फिर भी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को तेरे सारे चूड़ीदार के कलर मटेरियल सब याद है यार, इतना प्यार कौन कर सकता है, मैंने अपना एग्जाम छोड़ा सिर्फ तेरे को देखने के लिए। वो मान गई, मतलब मेरे को नहीं पता कैसे, बट उसके रिलेशन में भी तभी झगड़े वगड़े कुछ चल रहे थे, तो फिर उस वजह से शी वाज ओके विद इट ठीक है। ये तो ठीक है, एक स्टोरी हो गया, एक को मिला मैं ऐसे, अब दूसरी को मैं मिलता हूँ गोवा में। गोवा में
हम लोग ऑब्वियसली समर वेकेशन या जो भी वेकेशन चल रहे थे आफ्टर एग्जाम्स, उसके बाद हम लोग गए ट्रिप को गोवा। एंड उधर मेरे दोस्त के थ्रू और एक लड़की आई थी जो उसकी दोस्त, एंड फिर यह से बात वेत किया अपन, यू नो फुल फनी ह्यूमर गए। तो फिर ऐसा कॉमेडी वॉमेडी करके मेरे को वो भी अच्छी लग गई। इसका तो चल ही रहा था चैटिंग वैटिंग, बट ये भी मेरे को अच्छी लगने लग गई यार, क्योंकि दोनों का स्किन टोन सेम था और लगभग सेम हाइट के थे और लगभग सेम ही जैसे दिखते थे यार वो दोनों। तो मैंने बोला जब तक वो नहीं मिल रही तब तक इससे एडजस्ट कर लेता हूँ। आई गेस ये जो एडवाइस नहीं दे रहा मैं, ये बहुत गंदा तरीका है टू ट्रीट वुमन, ठीक है। यू शुड नॉट डू दैट, डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं वही एडवाइस दूंगा तुम लोग को, ये एक स्टोरी है, इसको सुनो, जो बचपन में मेरा कांड हुआ था तो मैं वही बता रहा हूँ, बस इसको एज अ स्टोरी ही लेना, ओके ठीक है। तो फिर हम गोवा में उधर इधर घूम रहे हैं मस्त मगन में, मस्त एकदम भाई हवा हवा चल रहा है एकदम। उसकी यार खुशबू बहुत सही थी यार, उसका फ्रेग्रेंस बहुत सही था, ऊपर से फेरमोन, यू नो फेरमोन, इटली में एक जगह है, तो नहीं वो फेरमोन कुछ तो लोग का हार्मोन होता है, वो सब सूंघ के एकदम मजे में था। तो गोवा से आते टाइम ये बंदी मेरे साथ पूरे रास्ते ट्रेन में ये मेरे साथ थी, एंड वी शेयर्ड अ लवली मोमेंट, अ वेरी लवली मोमेंट। वो मस्त सोई थी मेरे कंधों पर, राम कर रही थी, विश्राम कर रही थी, मैं हाय राम कर रहा था। एंड फिर यार एकदम से ऐसा देखा एक दूसरे को और वहाँ पे एक मोमेंट सा हो गया है, मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ, बट इट वाज वेरी लवली मैन। नहीं वो सब लहू में लग गया वो सब नहीं हुआ, बट या एनीवेज वी मूव। गोवा से आ गया, बंदी से भी बात कर लिया, ये दो बंदियों से मैं अब बात करते बैठा, ठीक है। अब ये दोनों को कैसे मैं यार, इसमें से एक तो मेरे को पटाना होगा, बट मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि कौन सी अच्छी है। दोनों मेरे को अच्छी लग गई भाई, दोनों अच्छी लग गई। वो लड़कियों का होता है ना कि कपड़ा सिलेक्ट करना है कि कौन सा पहनना है, और दोनों पसंद आ गए, सेम मेरा यार, कौन सा पहनू, आई मीन किसको डेट करूं, किसको प्यार करूं, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया। मैंने क्या सोचा फिर, ये लोग से साथ में मिला करूंगा मैं, ठीक है, ये दोनों को साथ बुला लेता हूँ और साथ में मिलूंगा, साथ में घूमने जाऊंगा, कोई टेंशन ही नहीं, उसको भी टाइम दूंगा, इसको भी टाइम दूंगा, दोनों को हंसा दूंगा, चल गूची में। तो ऐसे हम लोग मिलते 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 वो लोग दोनों दोस्त, वो लोग दोनों भी दोस्त हो गए। फिर मैंने बोला सही यार, एक को पटाना था, शायद दोनों पटरी है, एंड आई एम ऑन द सेफ साइड, ऐसा सोच के चल रहा था मैं। बट धीरे धीरे ये लोग मेरे बिना मिलने लगे, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट मतलब मैं सोचा कि यार अरे क्या होएगा, मतलब चलो ठीक है, मेरे बिना मिल लिए एक दो बार, मैंने इनको मिला दिया, ये लोग अभी बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, और फिर ये लोग मिल रहे और फिर मेरे साथ भी एकदम मस्त मजे में। एंड देन कोई तो मेरे को बोला कि यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं मिल रहे, मेरे दोस्त आके बोल रहे ये कुछ ज्यादा ही नहीं मिल रहे, ये लोग एक दूसरे के घर पे भी जा रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। मैंने बोला ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। मैंने जाके दोनों को पूछा कि यार तुम लोग मेरे को क्यों नहीं बुला रहे अब साथ में। तो बोला कि यार अरे रोहित यार अब हमारे हमको थोड़ी प्राइवेसी सब लगती है ना ये सब मामले में। मैंने बोला कौनसे मामले में, ऐसा कौन सा मामला चल रहा है जो मेरे को नहीं पता। एंड देन इट टर्न्स आउट दैट वो दोनों एक कपल हो गया, यस अ लेस्बियन कपल। मैं दोनों से बहुत प्यार करता था, बट वो दोनों एक दूसरे से मेरे से ज्यादा प्यार करते थे, एंड वो दोनों जुड़ गए एंड मैं बिछड़ गया। मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ भाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी दो लड़की लोग से प्यार मत करो, अगर प्यार कर भी दिया तो दोनों को मिलाना नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का भी रॉस वाला हाल हो जाएगा, ये फ्रेंड्स वाला रॉस, यू गेट इट। डैम ब्रो, स्टोरी सुनाते सुनाते मैं इमोशनल रोलर कोस्टर से गया, ओह माय गॉड। एनीवेज वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं आई तो गान मारो, एंड या आई नीड टू फाइंड सम लव, सो या प्लीज प्रे फॉर मी बॉयज़।